टू माय चैनल, मैं हूँ प्रतीक्षा। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा काफी बड़े अक्षरों में लिखा है, परीक्षा टालने के लिए सीएम को किए 3200 ट्वीट। तो जी हाँ, 3200 ट्वीट और बहुत सारे मेल किए गए हैं, जो किए गए हैं यूपी पीसीएस मेंस के बच्चों के द्वारा, जिन्हें मेंस के एग्जाम देना है। और ये ऐसा इसलिए हुआ है और इसका जो कारण है वो है यूपी पीएससी के द्वारा जारी किया गया एग्जाम का कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर, जो हर छह माह के एग्जाम की जो तिथियां होती हैं वो उसमें लिखी होती हैं। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि जो आयोग है वो हर बार कैलेंडर जारी करने से पहले तिथि घोषित कर देता है कि इस तिथि को ये एग्जाम है, इस तिथि को ये एग्जाम है। तो लोगों को पता चल जाता है कि इस तिथि को एग्जाम है तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी अपनी चालू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, पहली बार सीधे कैलेंडर जारी कर दिया गया है, तिथि की घोषणा नहीं की है। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि तिथि की घोषणा करने के बाद भी आयोग का जो तिथि है वो बार बार टल रही थी, इसीलिए उसने तिथि न जारी करते हुए सीधे कैलेंडर ही जारी कर दिया है। तो इससे बहुत मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूपी पीसीएस मेंस का भी एग्ज़ाम देना है और एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम भी देना है। अगर पीसीएस मेंस की परीक्षा टलती है तो हो सकता है सभी परीक्षाओं पर की जो एग्ज़ाम की डेट है उस पर भी प्रभाव पड़े। तो चलिए देखते हैं क्या है खबर विस्तार से इस पर कि परीक्षा टालने के लिए सीएम को किए 3200 ट्वीट। प्रतियोगी छात्रों ने पीसीएस मुख्य परीक्षा टाले जाने की मांग को लेकर शनिवार को सीएम को 3200 ट्वीट किए। साथ ही प्रतियोगियों की ओर से सीएम को 2500 मेल भी किए गए। शनिवार को हुई इस भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा की बैठक में प्रतियोगी छात्रों ने कहा कि आयोग ने मुख्य परीक्षा की तिथि जारी किए बगैर सीधे परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया। पीसीएस 2017 की मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे छात्रों में बड़ी संख्या ऐसे प्रतियोगियों की है जिन्होंने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए भी आवेदन कर रखा है और छात्रों की जो तैयारी है वो प्रभावित हो रही है। बैठक में कौशल सिंह, मनीष सिंह, चंदन सिंह, अर्चना सिंह, सौम्या राय, अंकिता आलोक राय, अनिल उपाध्याय, सत्येंद्र सिंह आदि थे। तो इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो तैयारी है वो प्रभावित होगी क्योंकि एलटी ग्रेड का पैटर्न और पीसीएस मेंस का जो पैटर्न है वो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, तो तैयारी प्रभावित हो सकती है। और साथ ही अगर परीक्षा टलती है तो बहुत सी परीक्षाओं पर असर पड़ सकता है। तो अब देखते हैं आयोग क्या फैसला लेता है, मुख्य परीक्षा की जो तिथि है वो टालता है या नहीं टालता है, क्योंकि बार बार ऐसा हुआ है कि जो परीक्षाओं की तारीख है वो टाली गई हैं। तो अब देखते हैं इस बार जो परीक्षाएं वो टाली जाती हैं या नहीं टाली जाती। तो आप कमेंट में बताइए कि आपकी क्या राय है कि जो मेंस की परीक्षाएं हैं वो टलनी चाहिए या नहीं। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, साथ ही लाइक बटन पर प्रेस कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। बाय बाय।